फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की बर्फ़ी। ये लौकी की बर्फ़ी बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है, और अगर जो लौकी खाना पसंद नहीं करता है वो ये बर्फ़ी बना के खाए, उसे ज़रूर पसंद आएगा। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स ट्रिक्स बताऊँगी कि आपकी जो लौकी की बर्फ़ी वो परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और एकदम परफेक्ट बनेगी। सारे टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तभी पता चलेगा कि कैसे बनी है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। और फ्रेंड्स, मेरा दूसरा चैनल है यूट्यूबर पुष्पलता, अगर आप लोगों को मेरे बारे में जानना है, मेरी लाइफस्टाइल देखना है, तो आप उस को भी ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, यूट्यूबर पुष्पलता। और इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो कर, पुष्पलता किचन 15 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी मैं बहुत सारे वीडियो शेयर करती हूँ, रील्स पे भी डालती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ। तो लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 1 kg लौकी लिया है यहाँ पे, और इसको हम ग्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फूड प्रोसेसर में किया है, और अगर आपके पास नहीं है तो ग्रेटर से भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा इजी रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ फूड प्रोसेसर में ग्रेट। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने ग्रेट कर लिया है, और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे करने के बाद। तो देख सकते हैं आप कैसा है, आप कद्दूकस से भी कर सकते हैं। तो अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाला है 1 स्पून घी, तो ये बड़ा चम्मच है, और घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लौकी को यहाँ पे भुनेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, लौकी का पानी निकाल देते हैं, मैंने यहाँ पे पानी नहीं निकालना है, अगर आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाला है क्योंकि हेल्दी बर्फ़ी बन रही है, तो पानी निकालने से उसके सारे जो विटामिन है वो सारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लौकी को भून रही हूँ, तो इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें जो पानी था वो अच्छे से सूख नहीं जाता है, तब तक हमको इसको लौकी को यहाँ पे भूनना है। तो यहाँ पे मैं भून लेती हूँ अच्छे से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही लौकी का बर्फ़ी आपका अच्छा बनेगा और अच्छे से सेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पानी था वो लगभग सूख चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 kg मिल्क ऐड करेंगे, तो जैसे फुल क्रीम वाला मिल्क हमें लेना है, और अगर आपने 1 kg लिया है तो 1/2 kg मिल्क, क्योंकि हम यहाँ पर मावा का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, तो हमें मिल्क के अंदर इसको अच्छे से पका के मावा जैसा बनाना है। तो यहाँ पे हम जो है इसके मिल्क के साथ इसको काफ़ी पकाना है जब तक कि अच्छे से ये पक नहीं जाए। तो अभी देखिए मिल्क में मावा बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि केवल 1 कप या 1/2 कप मिल्क ऐड करते हैं तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। अब यहाँ पे मैंने 1 बाउल मैंने शुगर ऐड किया है, जब हमारी 80% के लगभग जब हो जाएगा तब हमको शुगर ऐड करना है, स्टार्टिंग में शुगर ऐड नहीं करना है, नहीं तो फिर पानी ज़्यादा छूट जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा पानी हो गया है क्योंकि शुगर पिघलने लगी है, तो इसलिए हमें शुगर बाद में ऐड करना। अब हम यहाँ ऐड करेंगे 1 बाउल मिल्क पाउडर, क्योंकि हम यहाँ पे मावा का यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इसको टेस्ट को और बेटर बनाने के लिए हमें यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा मावा का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे, और हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते हुए चलाना है, जैसे हमने किया है उसी तरह से आपको भी करना है। तो ये सारे टिप्स ट्रिक मैं बीच बीच में बताती रहूँगी, और तभी आपका बर्फ़ी जो है परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, जब तक कि अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए तब तक हमें नहीं। अब हम यहाँ पे 1 pinch फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको कलर अच्छा सा देखना है तो आप फूड कलर ऐड करिए, नहीं तो नहीं कीजिए, और टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है, अगर आप ऐड करते हैं तो भी, नहीं ऐड करते हैं तो भी। तो यहाँ पर बस लुक वाइज बहुत
अच्छा और सुंदर दिखने लगेगा, क्योंकि जब हम लौकी को पका देते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक कोकोनट लड्डू का भी मैंने वीडियो डाला है, आप देखिएगा, उसका में भी मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया था और बहुत सुंदर बना था वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब ये मतलब अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि अभी काफ़ी पक चुका है, तो यहाँ पे अब देखिए एक हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में डाला है, और अगर इस तरह से हम करते हैं और ये नहीं गिरता है, मीन्स कि ये हो चुका है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये फिसल रहा है, मीन्स कि अभी थोड़ा सा और हमें पकाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक चम्मच घी, तो ये ऑप्शनल है, नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने घी ऐड किया है, अब हम घी के अंदर इसे और अच्छे से भून लेंगे जिससे कि टेस्ट और अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने घी ऐड कर दिया है, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे घी डालने से बहुत अच्छा हो जाएगा इसका, और भी अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं थोड़ा और हमें पकाना है, जब तक कि हम प्लेट में टेस्ट करें और वो जो है फिसले नहीं, मतलब गिरे नहीं, मीन्स कि हमारा ये सेट होने के हिसाब का हो गया है मटेरियल। तो यहाँ पे अभी दिखाती हूँ मैं आपको, एक टेस्ट और बताती हूँ करके आपको। तो ये दूसरा टेस्ट है, अगर आप इस तरह से देखते हैं कि घी छोड़ने लगता है, देखिएगा अभी तो मैं आपको दिखाऊंगी, घी अगर छोड़ने लगता है मीन्स कि ये परफेक्ट हो गया है सेट करने के लिए हमें बर्फ़ी। तो यहाँ पे मैं दूसरा टेस्ट कर रही हूँ, देखिए आप देख सकते हैं, और ये सारा लो फ्लेम पे ही है, और आप देख सकते हैं कैसे घी छोड़ दिया है। ऐसा हो जाना चाहिए, अगर इस स्टेज का हो गया है मीन्स कि आपका ये परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे लास्ट में इलायची पाउडर ऐड करेंगे ताकि जो इसकी खुशबू है उसके अंदर बनी रहे। यहाँ पे मैंने ये मार्केट का लिया। तो चलिए अब टिन ग्रीस करके हम इसे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा एक टिन लिया है, और ये केक का टिन है, आप थाली में भी जमा सकते हैं, इसमें भी जमा सकते हैं अगर आपके पास है तो। तो यहाँ पे मैंने ग्रीस कर लिया है, अब इसके अंदर हम बैटर को डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से चारों तरफ से सेट कर लेना है, और उसके बाद इसको हमें एकदम एक लेवल का बराबर कर लेना है, और फिर हम इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए रख देंगे बाहर, तो जम जाएगा ये, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं हाफ आवर के लिए, तो भी ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एकदम बराबर कर लिया है, और देख सकते हैं एकदम लेवल में कर लिया है, और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे और अच्छे से ये मतलब सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने कर लिया है, और अब ये मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने हाफ आवर के लिए रख दिया था फ्रिज में, तो ये एकदम सेट हो गया है, देख सकते हैं आप। और अब हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिमोल्ड करने के लिए हम इसके चारों तरफ से नाइफ की हेल्प से कर लेंगे ताकि ईजिली निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं निकल रहा है, चिपक गया है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गैस के ऊपर हल्का सा रख लेना है, और उसके बाद आपको कर लेना है, तो भी ये आसानी से निकल जाएगा। और आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक प्लेन पेपर को ले सकते हैं, उस पर घी लगा दें और फिर उसको लगा दें तो भी हो जाए। मैंने बिना बटर पेपर के ही रखा है, आप देख सकते हैं, मैंने हाथ में भी लेके आपको दिखाया है, और मैंने कितनी आसानी से इसको हाथ में भी उठा लिया था, और क्योंकि सीधा करना था मुझे इसको। और उसके बाद हम कट कर लेते हैं। कट आपको बर्फ़ी आपके हिसाब से कट कर लेना है, आपको जैसा पसंद हो। मैंने तो स्क्वायर शेप में कट किया है, तो देखिए मैं काट लेती हूँ यहाँ पर, एक साइज़ का मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो आप देखिए कि मैंने निकाल दिया है, कितनी आसानी से और कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है हमारी, रेडी हो गई है, और एकदम परफेक्ट बर्फ़ी है। और अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो बनाइए, बहुत अच्छी बनेगी। मैंने 2 तरह से प्रेजेंट किया है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करें। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने तोड़ा, कितना सॉफ्ट बना है, और कितनी है ना एकदम परफेक्ट बर्फ़ी। तो आप भी और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिए कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी, और कोई सुझाव हो और किसी रेसिपी की डिमांड हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही आगे आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए। और लाइक करना फ्रेंड्स नहीं भूला करिए, हम बहुत मेहनत करते हैं और एक रेसिपी के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। और अगर जब तक आप कमेंट करके बताएंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए।